हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम सूरज है और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या है हैंडसम होने का सही मतलब। ये एक मोटिवेशनल कहानी है तो आप इसे ध्यान से सुनिए अंत तक। दोस्तों, दूर दराज के गांव में एक किसान रहता था। उसने सुना था कि उसके देश के प्रेसिडेंट बड़े महान इंसान हैं। उसने मन ही मन उनकी एक तस्वीर बना रखी थी। एक लंबा खूबसूरत इंसान, राय सी ठाट बाट वाला, जो चले तो लोग देखते रह जाएं, जो बोले तो लोग सुनते रह जाएं। उसके मन में प्रेसिडेंट को देखने की तीव्र इच्छा थी, पर बेचारा ऐसी जगह रहता था जहां अभी तक बिजली भी नहीं पहुंच पाई थी। उसने कभी टीवी अखबार में भी प्रेसिडेंट को नहीं देखा था। लेकिन यदि मन किसी चीज़ को पूरी ताकत से चाह ले तो वो चीज़ होनी तय है। एक दिन पता चला कि उसके गांव से करीब 100 मील दूर खुद प्रेसिडेंट आने वाले हैं। उसने फौरन वहां जाने का निश्चय कर लिया। काफ़ी दूर पैदल चलने और कई साधनों को बदलने के बाद आखिरकार वह तय दिन और तय समय पर प्रेसिडेंट को देखने के लिए पहुंच ही गया। भीड़ बहुत थी, हजारों लोग अपने प्रिय प्रेसिडेंट की एक झलक पाने के लिए खड़े थे। किसान ने बगल में खड़े एक व्यक्ति से पूछा, क्या आपने कभी प्रेसिडेंट को देखा है? हाँ, देखा है, जवाब आया। वो दिखने में कैसे हैं? कुछ खास नहीं, बड़े साधारण से हैं। वे बात कर ही रहे थे कि जनता का शोर उनके कानों में पड़ा। प्रेसिडेंट उनके बीच से होते हुए स्टेज पे जा रहे थे। किसान ने देखा कि एक सामान्य कद वाला साधारण सा इंसान रेड कारपेट पे चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। प्रेसिडेंट उनकी मानसिक तस्वीर से बिल्कुल अलग थे। किसान अपने विचारों में खोया हुआ था कि तभी प्रेसिडेंट उनके सामने रुके, उनसे हाथ मिलाया, हालचाल लिया और आगे बढ़ गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि देश का राष्ट्रपति उससे दो शब्द बोलकर गया है। उसने फौरन सोचा, कौन कहता है कि मेरा राष्ट्रपति साधारण है? मैंने तो आज तक इससे असाधारण व्यक्ति नहीं देखा। दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। इंसान अपनी बाहरी रंग रूप से महान या असाधारण नहीं बनता है, वह अपने अंदर की अच्छाई, काबिलियत, करुणा और प्रेम से असाधारण बनता है। डॉक्टर कलाम ने एक बार भाषण देते हुए कहा भी था, आई एम नॉट ए हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू सम, यानी कि मैं हैंडसम नहीं हूँ लेकिन मैं किसी को अपना हाथ मदद के लिए दे सकता हूँ। सचमुच डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक महान व्यक्ति थे जो सदैव दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। चलिए, उनके जीवन से सीख लेते हुए हम भी सही मायने में हैंडसम बने। हम भी अपना हाथ किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रखें। दोस्तों, ये कहानी मैंने पढ़ी थी अच्छी खबर.com से, जो कि भारत की जो हिंदी में कोई ब्लॉग है वो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला ब्लॉग है। और मैं पिछले काफ़ी 2013 से फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये कहानी पढ़नी है और इस तरह की और भी बहुत सारी मोटिवेशनल अलग अलग तरह की आपको स्टोरीज ब्लॉग के तौर पे मिल जाएंगी तो आप अच्छी खबर.com पे जाके पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं और वीडियोस अपलोड करूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।